नेरवा पुलिस ने दो युवकों से करीब 3.25 किलो चरस बरामद की है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने न्यूटी के पास नाकाबंदी की थी। इसी दौरान देहिया की तरफ से आ रही एक आल्टो कार को चेकिंग के लिए रोका गया। जब कार की तलाशी ली तो अगली सीट पर बैठे एक युवक की टांगों के बीच रखा बैग पाया गया। इस बैग के अंदर एक पॉलीथीन में पैक रखी गई 3 किलो 236 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिरासत में लिए गए युवकों में एक राजगढ़ जिला सिरमौर तथा दूसरा हरियाणा के रोहतक का बताया जा रहा है। कल रात्रि के समय 26/11/2021 को हमारी गश्त टीम नाकाबंदी के लिए मुकाम न्यूटी में तैनात थी। उस समय करीब 2 बजे रात एक गाड़ी HP 16A 1649 रैय की तरफ से आई और चौपाल की तरफ जा रही थी। जब इसे नाके पर चेक करने के लिए रोका गया तो इस चेक किया, इसमें 2 व्यक्ति सवार थे जिनके नाम बलराम और शमशेर सिंह पाए गए। जब गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी के अंदर 3 किलो 236 ग्राम चरस बरामद हुई है। जो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है, इन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। हिमाचल दस्तक बैग टीवी के लिए नेरवा से अनिल सूद।